हेलो दोस्तों, कुकिंग लाइव स्विता किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बचे हुए नमकीन चावल से कचौड़ी बनाना। कल मैंने नमकीन चावल बनाए थे नाइट में, तो मेरे सुबह मैं कचौड़ी बना रही हूँ। मैंने सोचा कि बचे हुए चावल से कचौड़ी बना ली जाए और आपके साथ वीडियो शेयर की जाए। तो ये देखिए, बहुत ही फुली फुली, बाहर से क्रिस्पी और बहुत ही सॉफ्ट बनी अंदर से, खाने में बहुत ही यम्मी लगी थी। आप भी ऐसे ही बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर टमाटो केचप के साथ सर्व की हैं। आप इन्हें ऐसे ही आलू की सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये कैसे बनाई मैंने, तो शुरू करते हैं बनाना, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। तो यहाँ पर मैंने नाइट में चावल बनाए थे तो वो बच गए हैं, तो उनकी मैं कचौड़ी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में चावल लिए हैं। अभी हम बड़ा बाउल लेंगे और उसमें मैंने गेहूँ का आटा लिया 500 ग्राम और मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है। अभी इसमें हम एक चम्मच अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन को थोड़ा सा हाथों से क्रस करके डालेंगे और इसमें नमक डाल देंगे आधा चम्मच, स्वाद के अनुसार नमक डालें। और इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे, आप इसकी जगह घी भी डाल सकते हैं। अभी अच्छे से इसको मिला देंगे, पूरे आटे में घी अच्छी तरह से मिल जाए। उसके बाद ही इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके इस आटे को हम तैयार कर लेंगे। जैसा हम नॉर्मल रोटी का पूरी का आटा बनाते हैं, वैसा ही आटा हमको तैयार करना है। यहाँ पर मैंने गुनगुना पानी लिया है क्योंकि विंटर सीजन है, तो थोड़ा गुनगुना पानी से ही अच्छा आटा तैयार होता है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लगाकर इसको ढककर रख देंगे 10 मिनट बाद इसकी हम। और देखिए 10 मिनट के बाद आटा चेक करते हैं, थोड़ा सा ऑयल लगाकर अच्छी तरह से इसको मसल लेते हैं। अभी इसको हम तोड़ लेंगे और मीडियम साइज़ के आकार की हम कचौड़ी बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा मोटी होगी तो अच्छी तरह से नहीं पकेगी और नहीं वो खाने में स्वादिष्ट लगेगी। तो यहाँ पर मीडियम साइज़ की मैंने ये तैयार कर लिए। तो अभी मैं पहले जो नमकीन चावल है तो उसको थोड़ा सा और टेस्ट आ जाए कचौड़ी में, तो उसके लिए मैं यहाँ पर 1 चम्मच मेयोनेज होता है जो वो डाल रही हूँ 1 चम्मच। और ये जो सोया सॉस आती है, पिज्जा सॉस बोलते हैं इसको, तो ये डाल देती हूँ 1 चम्मच। इसे डालने से थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाएगा, बच्चों को अच्छा लगेगा खाने में। अभी इसमें आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 चुटकी भर ही नमक डाला क्योंकि चावल में पहले ऑलरेडी नमक था और मिर्च भी थी, तो मैंने यहाँ पर हरी मिर्च नहीं डाली है। आप हरी मिर्च के छोटे छोटे पीस में कट करके डाल सकते हैं। तो अभी हम कचौड़ियों को भर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने ये आटा लिया है, अभी इसको हाथों से मसल कर इसको हम तैयार करेंगे। पहले इसको ऐसे उंगली से दबा दबा कर अंदर की साइड हमें इसको अच्छी तरह से फील करना होता है, क्योंकि अंदर की तरफ से हम इसे करेंगे तभी इसमें जगह होगी, ताकि इसमें हम जो चावल हैं उनको अंदर भर सकें। नॉर्मल जैसे हम आलू की कचौड़ी बनाते हैं, दाल की कचौड़ी बनाते हैं, वैसे ही ये कचौड़ी भी बनती है। सिर्फ आप आलू की जगह इसमें चावल भर दें और फिर बंद कर दें, ऐसे ही बनती हैं ये, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और ऐसे ही दबा दबा कर इसमें देखिए अच्छी तरह से जगह बन जाएगी। और भी इसमें 1 चम्मच के करीब इसमें आ जाएगी, ज़्यादा आ जाए तो इसमें आप ज़्यादा भर लें, जो आराम से इसमें आ जाए उतना ही हमें इसके अंदर चावल को भरना है। अभी हाथों से इसे अच्छी तरह से भरते जाएंगे, दबा दबा कर अच्छी तरह से भरेंगे। और फिर ऐसे ही हम पहले सभी को कचौड़ियों को भरकर तैयार कर लेते हैं और फिर बाद में इनको हम फ्राई करेंगे ऑयल में। और उधर मैंने ऑयल भी रख दिया कढ़ाई में गर्म होने के लिए। देखिए अब अच्छे से बंद कर दी है मैंने। मैंने बचे हुए चावल के वड़े भी बनाए हैं, वो भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है। और बचे हुए चावल से मैंने पराठे भी बनाए हैं, वो भी वीडियो है, आप मेरे आई बटन पर जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। और ये देखिए कचौड़ी अच्छे से भर दी है, दबाकर अब देखिए ऐसे प्रेस कर देंगे और ये कचौड़ी तैयार है। और सभी ऐसे मैंने भर ली है
और यहाँ पर ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो अभी इनको हम फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चार डाली हैं, कढ़ाई में चार ही आई हैं, तो इनको पहले फ्राई कर लेती हूँ, बाद में और जो बची हैं उनको भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से फूल गई हैं, तो इन्हें हम दूसरी साइड से भी ऐसे ही ब्राउन कलर आने तक पकने देंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी फूली फूली बनी है और ये खाने में भी बहुत ही यम्मी लगती हैं। आप भी ऐसे ही एक बार जरूर ट्राई करना बचे हुए चावल से कचौड़ी बनाना। अभी देखिए ये ब्राउन हो चुकी है, तो इनको हम निकाल लेते हैं प्लेट में और जो बचे हुए हैं कचौड़ी उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मैंने सभी फ्राई कर ली है कचौड़ी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।